हेलो दोस्तों, दुनिया के 99% लोगों को एक बीमारी होती है, एक ऐसी मेंटल स्टेज जो जाने या अनजाने में 99% लोगों को होती है और उस बीमारी का नाम है होम्योस्टेटिस। और जाने या अनजाने में ये आपको भी है। हमें चेंजेस पसंद नहीं होते, हम जिस भी सिचुएशन में हैं हम उसी में बने रहना चाहते हैं। हम चाहते हैं कोई भी बदलाव ना हो, चाहे उससे बेटर ऑप्शन भी क्यों ना हो। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो हम अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं और इसी कारण अक्सर हम कुछ भी नया करने से डरते हैं। कुछ भी नया करने से डरना और ये सोचना कि जिस भी सिचुएशन में हम हैं वही हमारे लिए सही है, ये एक बीमारी से कम नहीं है, क्योंकि इसी कारण मैक्सिमम लोग अपने लाइफ में सिर्फ एवरेज ही रह जाते हैं। अक्सर लोग जब वो यंग होते हैं तो उनके पास बहुत से सपने होते हैं, उनको लाइफ में बहुत कुछ करना होता है, दुनिया के उन सारी चीजों का मजा लेना होता है जो दुनिया में उनके लिए है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं हमारे पास सिर्फ रिग्रेट्स ही बाकी रहते हैं, क्योंकि हमने उन आधी चीजों को भी अचीव नहीं किया होता जिनके बारे में हमने प्लान्स बनाए थे, जिनके बारे में हमने सपने देखे थे। हमारे लाइफ में हमारे हैबिट्स ही हमें बनाते हैं। पहले हम किसी हैबिट्स को बनाते हैं, फिर हमारे हैबिट्स हमें बनाते हैं। इसलिए किसी भी हैबिट्स को बनाने से पहले आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जैसे जैसे ऑथर रॉबिन शर्मा बड़े हो रहे थे, उनके फादर ने उनसे एक बात कही, बेटा जब तुम इस दुनिया में आए थे तो तुम रो रहे थे लेकिन सारी दुनिया ने जश्न मनाया। लेकिन अपने आने वाले सालों में कुछ ऐसे काम करो कि जब तुम इस दुनिया से जाओ तो सारी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। रॉबिन शर्मा के फादर की ये बात उन्हें इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी कि उन्होंने इस टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्चेस की, फिर इस टॉपिक पे उन्होंने एक बुक लिखा, वू विल क्राई वेन यू डाई, जब आप नहीं रहोगे तो आपकी मृत्यु पे कौन रोएगा। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जब अपने लाइफ के लास्ट स्टेज में थे तो उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आपको अपनी लाइफ को दोबारा जीने का मौका मिले तो आप क्या बनना चाहोगे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने आंसर दिया कि मैं वो इंसान बनना चाहूंगा जो मैं बन सकता था लेकिन मैं नहीं बन पाया। और अगर हमारी लाइफ भी इसी तरह चलती रही जिस तरह अभी हम जी रहे हैं तो हमें भी अपने लास्ट टाइम पे ये रिग्रेट जरूर होगा कि हम क्या बन सकते थे, अपनी लाइफ को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते थे लेकिन हम नहीं बना पाए। आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि मैं कल से काम करूंगा, मैं मंडे से काम करूंगा, मैं नेक्स्ट ईयर से पक्का ये चीज करूंगा। और ऐसी बहुत सारी बातें हमने अपने आप से कही होती है, वादे किए होते हैं, लेकिन जब हम उन चीजों को अचीव नहीं कर पाते तो बाद में हमें रिग्रेट होता है। और सबसे ज्यादा रिग्रेट आपको तब होगा जब आप अपनी लाइफ के लास्ट स्टेज में होंगे, क्योंकि उस समय ना तो आपके पास इतना टाइम होगा और ना ही इतनी एनर्जी और ताकत होगी कि आप उस समय अपने सपनों को पूरा कर सको। अगर आप अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों पे नहीं लेते तो लाइफ आपको कंट्रोल करने लगती है। इस बात को रिपीट करता हूँ, अगर आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों पे नहीं लेते तो लाइफ आपको कंट्रोल करने लगती है। दिन हफ्तों में बीत जाते हैं, हफ्ते महीनों में, महीने सालों में, सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि आप लाइफ को पूरी तरह से न जी पाने के लिए सिर्फ रिग्रेट ही करते रहते हो। तो दोस्तों, मैं आप सबसे रिस्पेक्टफुली एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके फैमिली के अलावा ऐसा कौन है जो आपके न होने पर आपकी मौत पर रोएगा। आप कितने लोगों पे अपनी छाप छोड़ के जा रहे हो। आने वाली जनरेशन को आप क्या देना चाहते हो। आपने अपनी लाइफ में ऐसा क्या कमाया है जो आपके न होने पर लोग आपको याद करें। और पैसे की तो बात ही नहीं हो रही है। बुक के ऑथर रॉबिन शर्मा ने इस टॉपिक पर कई साल रिसर्च किए और उन्होंने 101 तरीके ऐसे ढूंढे जिससे आप अपनी वैल्यू बना सकते हो और जिससे आप अपनी लाइफ को एक बेहतर तरीके से जी पाओ, जिसमें से सिर्फ 5 मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो पर। लेसन नंबर 1, केयर योर टेम्पल। लोग अक्सर मंदिर जाते हैं अपने मन की शांति के लिए, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपने मंदिर की हिफाजत करनी चाहिए जो वो खुद है, जैसे कि अपने आप की केयर करना, हाइजीन मेंटेन करना, कितने भी बिजी क्यों ना हो एक्सरसाइज या योगा के लिए टाइम निकालना, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज या योगा के लिए टाइम नहीं निकालते तो आपको बाद में बीमारियों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने घर और भगवान के घर को साफ सुथरा रखते हो, वैसे ही हमें अपने आप को भी साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी बॉडी में ही एक हेल्दी माइंड रहता है। और जब आप पूरी तरह से हेल्दी रहोगे तभी आप लाइफ के सभी चीजों को एंजॉय कर सकते हो। अपने आप की केयर करने से मेरा मतलब है कि आप अपने आप को समय दो, हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा सीखो, आप कोई अच्छी वीडियो या बुक्स पढ़ सकते हो और शुरुआत इसी बुक से करना, वो विल क्राई वेन यू डाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हो, उनसे दोस्ती कर सकते हो, एक लाइन में कहूँ तो हर वो चीज करो जो आपको बेहतर बनाए। लेसन नंबर 2, शेड्यूल वरी ब्रेक। लोगों में अपने काम के कारण बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है, ऑफिस से आने के बाद भी वो अपने काम के बारे में ही सोच रहे होते हैं और ऐसे में वो अपना बहुत सारा समय उन चीजों के बारे में सोचने में बिताते हैं जो उनके लिए कोई भी काम की नहीं है। लोग अपने जॉब, फैमिली, रिलेशन, बिल्स, फाइनेंशियल के बारे में ही परेशान रहते हैं और ज्यादातर बातें जिनके बारे में वो परेशान रहते हैं वो कभी होती ही नहीं है। मेरे फादर ने कहा था, चिंता और चीता में बहुत ही कम फर्क होता है। चीता इंसान के मरने के बाद उसे एक बार जलाती है,
लेकिन चिंता जिंदा इंसान को हर दिन जलाती है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप चिंतन करो, चिंता नहीं। और अगर आपको चिंता करनी भी है, रॉबिन शर्मा इसका सबसे अच्छा तरीका बताते हैं कि आपको अपने दिन का एक समय डिसाइड करना है जिस पे आप चिंता करोगे, और उस टाइम के खत्म हो जाने के बाद आप अपने काम में दोबारा लग जाओगे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अपने वरीज को मेजर करने का, और धीरे धीरे उस टाइम को कम करते जाओ, और एक दिन चिंता करने की ये प्रॉब्लम आपसे दूर हो जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ एक मेंटल स्टेज है जिसे सिर्फ आप ही दूर कर सकते हो। जितना हो सके प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो, उन चीजों पे फोकस करो जो अभी है, ना कि उन चीजों पे जो बीत चुके हैं या आने वाली है। क्योंकि जिन भी चीजों के बारे में आप टेंशन लेते हो, फिकर करते हो, वो 99% पॉसिबिलिटीज है कि वो कभी होगी ही नहीं। इससे आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अपने टाइम को यूटिलाइज करो और अपने काम पे लगाओ। प्रैक्टिस द एक्शन हैबिट। आज के टाइम पे हम बहुत ही आसानी से किसी इंसान को चांद पे भेज सकते हैं, लेकिन सड़क पार करके अपने पड़ोसियों से मिलना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। आज हमारे पास ईमेल है, व्हाट्सएप, फेसबुक है, फेस कैम है, जिससे हम दुनिया भर से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम उस वक्त पे रह रहे हैं जिस पे बहुत ही कम लोग इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गूगल से, इंटरनेट से आपको दुनिया की सारी नॉलेज मिल जाएगी। इस वीडियो में और हमारे यूट्यूब चैनल में आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट को चेंज कर सकती है। और कई लोग कहते भी है नॉलेज इज द पावर, बट मेरी नज़र में पावर नॉलेज में नहीं बल्कि उस काम को करने में है जो आप करना चाहते हो। दुनिया का सारा नॉलेज भी आपके लिए वेस्ट है अगर आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अक्सर लोग बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं और कोई स्पिरिचुअल गुरु से सीखते हैं, लेकिन कभी भी वो अपने लाइफ में उन चीज़ों को, उन बातों को इम्प्लीमेंट नहीं करते। और आपके आसपास में ही ऐसे बहुत से लोग होंगे जो ऐसा कर रहे हैं, और शायद आप भी उन्हीं में से एक हो। क्योंकि हम बातें बहुत करते हैं लेकिन एक्शन बहुत ही कम लेते हैं, इसलिए हमें छोटे लेवल से ही सही लेकिन एक्शन लेने शुरू करने चाहिए। कई बार हम सिर्फ इंतजार करते हैं कि कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई अच्छा मौका मिलेगा, फिर किसी काम को स्टार्ट करेंगे। जैसे मंडे से मैं जरूर जिम जाऊंगा। आप जहां पे हो, जिस जगह पे हो, जिस भी सिचुएशन में हो, उसी वक्त से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि छोटे एक्शन हमेशा बड़े इरादों से बेहतर होते हैं। इसलिए एक्शन ओरिएंटेड बनो, एक्शन लेना शुरू करो। लेसन नंबर 4, एंजॉय द पाथ नॉट जस्ट अ रिवॉर्ड। दोस्तों, आप सब ने आई एम श्योर कि 3 इडियट्स मूवी देखी होगी, जिसमें आमिर खान, असा रणछोड़ दास इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं और मस्ती मजाक करते हुए फ्रेंड्स के साथ रहते हुए टॉप कर जाते हैं। बट लास्ट में पता चलता है कि उनका टॉप करना उनके लिए कोई मतलब का था ही नहीं, क्योंकि उन्हें कोई डिग्री मिली ही नहीं और ना ही वो डिग्री के लिए गए थे। वो गए थे सीखने के लिए, ये सीखने के लिए कि इंजीनियर कैसे बनते हैं। उन्होंने पूरी तरह से अपने पाथ को एंजॉय किया, ना कि रिवॉर्ड को। खैर, वो तो एक मूवी थी, बट रियल में हम क्या करते हैं? हम किसी भी काम को करने से पहले उसके रिवॉर्ड के बारे में सोचते हैं कि उसके बदले हमें क्या मिलेगा। बट हमारा सही माइंडसेट ये होना चाहिए कि जब हम उस काम को स्टार्ट करेंगे तो उस काम में कितने चैलेंजेस मिलेंगे, हमें क्या सीखने को मिलेगा, अपने लिमिट्स को पुश करने का मौका मिलेगा। और जब आप अपने पाथ को, अपने जर्नी को एंजॉय करोगे तो फिर आपकी मंजिल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। अगर आप कोई ऐसी मूवी देखने को गए हो जहाँ कोई विलन ही नहीं, हीरो और हीरोइन के लाइफ में कोई भी दुख ही नहीं है, कोई भी चैलेंजेस ही नहीं, तो या तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाओगे या तो आप गुस्से में वहां से वापस आ जाओगे। तो दोस्तों, हमारी लाइफ भी एक मूवी की तरह है जिसमें हम अपने लाइफ के हीरोज हैं और हमें अपने लाइफ के आने वाले चैलेंजेस से लड़ना है, उन्हें फेस करना है, उनसे सीखना है। और चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, प्रॉब्लम्स को फेस करके एक हीरो की तरह लाइफ जीनी है। क्योंकि जीत की रियल वैल्यू उन्हीं को पता होती है जिन्होंने कई बार हार का सामना किया होता है। और जब भी हम अपने गोल्स बनाते हैं तो मैक्सिमम टाइम हमारा फोकस यही होता है उस गोल को पूरा करने के बाद जो रिवॉर्ड हमें मिलेंगे। और इसी कारण जब हम ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं उसके बाद भी कोई रिजल्ट नहीं आते तो हम उसे वहाँ पे क्विट कर देते हैं। लेकिन जब आप जो एफर्ट लगा रहे हो उस पर इंजॉय करोगे, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करोगे, तो ना सिर्फ आप खुश रहोगे, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हो और आपका हर दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। दोस्तों, जब आप अपने एफर्ट को एंजॉय करोगे तो हर दिन एक नया एक्सपीरियंस होगा जो बहुत ही खूबसूरत होगा। लेसन नंबर 5, गेट गुड इट आस्किंग। दोस्तों, एक चीनी कहावत है कि जो इंसान क्वेश्चन करता है वो सिर्फ कुछ मिनट के लिए बेवकूफ़ समझा जाता है, लेकिन जो इंसान क्वेश्चन करता ही नहीं वो जिंदगी भर के लिए बेवकूफ़ बन जाता है। क्योंकि अक्सर लोग क्वेश्चन पूछने से भी डरते हैं, उन्हें लगता है कि अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो वो कमज़ोर या बेवकूफ़ समझे जाएंगे। और जब आपको किसी काम में डाउट रहता है तो आप उस काम को अच्छे तरीके से कर ही नहीं सकते। इसलिए हमेशा अपने डाउट्स को क्लियर रखो, जितना ज़्यादा हो सके उतने क्वेश्चन पूछो, क्योंकि जितने क्वेश्चन आप पूछोगे उतने ही आंसर आपको मिलेंगे और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी।
आप गौर करोगे जब आप क्वेश्चन पूछते हो तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हर दिन कम से कम 5 नए क्वेश्चन पूछने की कोशिश करो, ऐसे क्वेश्चन जिनका आंसर आपको नहीं पता। अगर आप ऐसा हर दिन करते हो तो हो सकता है कुछ लोग आपको गलत समझे, लेकिन आपको अपने अंदर से इतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट महसूस होगी, आपके पास इतना नॉलेज होगा कि आप लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट पे किसी भी प्रॉब्लम्स को फेस करने लायक हो जाओगे। क्योंकि प्रॉब्लम्स तब आते हैं जब आपके पास नॉलेज की कमी होती है, जब आपके पास डाउट होता है। हर दिन क्वेश्चन करना आपके डाउट को कम करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और जिस इंसान के पास भी कॉन्फिडेंस होता है वो मुश्किल सिचुएशन को भी आसान करना जानता है। तो हर दिन कम से कम 5 नए क्वेश्चन पूछो, लोगों के पास पूछो, और कई बार क्वेश्चन पूछने से ही आपके बहुत सारे कॉन्टैक्ट बनेंगे। लोग अक्सर आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपके पास वो नॉलेज है जो उनको चाहिए। सो लेसन नंबर 6, हॉनर योर पास्ट। आप जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़ते जाते हो तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके पास्ट में हुई है, आप उन चीज़ों को चेंज करना चाहते हो। रियलिटी यही है कि आप उसे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप आज मेहनत करके अपने फ्यूचर को उस तरह से बना सकते हो जैसा आप चाहते हो। तो अपने बीते हुए पास्ट को एक प्रॉब्लम की तरह मत देखो, बल्कि उनकी रिस्पेक्ट करो। क्योंकि आज आप जिस भी सिचुएशन में हो वो पास्ट में हुई उन चीज़ों की वजह से ही हो। जो भी प्रॉब्लम आपने फेस किए थे पहले, उसी की वजह से आप यहाँ पे खड़े हो। अगर आप साइकिल चलाते समय गिरते ही नहीं तो आप कभी भी साइकिल चलाना नहीं सीख पाते। जब भी हमें लाइफ में ऐसा लगता है कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हो रही है, सब कुछ खराब हो रहे हैं, ऐसे टाइम पे कुछ भी समझ नहीं आता, लेकिन कुछ साल बाद जब आप उस सिचुएशन को देखोगे तब आपको पता चलेगा कि वो होना भी कितना इम्पोर्टेंट था। और अगर आपको उस समय ये प्रॉब्लम्स नहीं आती तो आप आज इस सिचुएशन में नहीं होते। स्टीव जॉब्स ने अपने स्पीच में कहा था, कनेक्ट द डॉट्स। हमारे पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो एक डॉट है। और ऐसे बहुत से डॉट्स हैं हमारे पास्ट के, वो डॉट्स हमारे फ्यूचर के डॉट्स से कनेक्ट करते हैं। इसलिए अक्सर ये भी कहा जाता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि कुछ भी होने का एक रीज़न होता है जो हमें उस समय समझ नहीं आता, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो होना कितना इम्पोर्टेंट था। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो लोग आज अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, उन्होंने अपने लाइफ में एक ऐसा सिचुएशन भी देखा है जहाँ उनकी लाइफ नर्क से भी बदतर थी। स्टीव जॉब्स को उनकी कंपनी से निकाल दिया गया, अमिताभ बच्चन को यह कहकर रेडियो से निकाल दिया गया था कि उनकी आवाज़ ख़राब है। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज है जो आपको ये बताती है कि जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं वो बहुत ही ख़राब सिचुएशन से निकले हैं। और अगर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो ये समझो कि लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है अपने आप को बेहतर बनाने की। तो जो भी आपके साथ पास्ट में हुआ है तो उसे एक गिफ्ट की तरह देखो और उससे सीखने की कोशिश करो। तो दोस्तों, ये थे वो 6 लेसन जिससे आप अपने लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हो और उन रिग्रेट्स को ख़त्म कर सकते हो जो आपके लाइफ के अंतिम पड़ाव में आपको मिलेगी। ये सारे लेसन मैंने आपको वो विल क्राई व्हेन यू डाई बुक से बताई है। ये बुक आपको जरूर पढ़नी चाहिए, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल है। होप करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आए। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके लाइफ में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आई थी जिसने आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद की। वीडियो को अपने लव वंस के साथ जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे मेरे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो पे, तब तक के लिए भारत माता की जय। वंदे मातरम। बी स्मार्ट, बी अवेयर।